हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस, चैप्टर 12 फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एक बार फिर बता देते हैं फ्रिक्शन क्या होता है. Force acting between two surfaces in opposite direction. This process is known as friction. ठीक है, तो फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिससे फ्रिक्शन तेज होता है, जिससे फ्रिक्शन बिल्कुल स्लो होता है. तो फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 12.2 में क्या बता रखा है, पहले एक्टिविटी 12.2 पढ़ेंगे. टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. आपने एक ब्रिक लेनी है, एक स्ट्रिंग लेना है, ठीक है, और ब्रिक के साथ उसको टाई करना है. पुल द ब्रिक बाय अ स्प्रिंग बैलेंस, फिगर 12.3. और पुल करना है ब्रिक को बाय अ स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से. स्प्रिंग बैलेंस ये दिखा रखा आपको, ठीक है, 12.3 में देख सकते हो किस तरह से आपने पुल करना है. ये ब्रिक है, इसको टाई करना है एक स्ट्रिंग से, और इसको स्ट्रिंग में किसको बांधना है, एक स्प्रिंग बैलेंस को, ठीक है, जिससे आप रीडिंग नोट कर सकते हो. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव. इट गिव यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. देखो स्टूडेंट, आपने ब्रिक को यहाँ सरफेस पे रखना है, ठीक है, ब्रिक को यहाँ रखना है और एक तार इस पे बांधनी है, और इसके साथ क्या अटैच करना है, एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच करना है, ठीक है, और जिससे फिर आपको क्या करना है, ये फिर आपने क्या करना है, ये इसको खींचना है, और खींच के आप ये पता लगा पाओगे कि कितना फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है. इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर. जो फ्लोर है और ये ब्रिक्स है, दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ब्रिक का जो लोअर सरफेस है और जो फ्लोर है, फ्लोर का जो अपर सरफेस है, दोनों के बीच में कितना सरफेस लग रहा है, और वो हमें कौन मेजर कराएगा, स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से हम मेजर कर पाएंगे, ठीक है. तो नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथिन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. तो पहले तो हमने ये किया, उसके बाद हमने क्या किया, ब्रिक के चारों तरफ एक पॉलिथिन को रैप कर दिया, ठीक है, एक पॉलिथिन ली जो कि बहुत स्मूथ होती है और उसको रैप कर दिया. फिर रैप करने के बाद फिर एक स्ट्रिंग को टाई किया और उसको फिर खींचा. तो फिर इसको ब्रिक को खींचेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे उसकी रफनेस को, ठीक है, कि कौन किस में ज्यादा वजन लग रहा था, किस में ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा था उसको खींचने में. नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी. डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबव टू केसेस? यस, हमें बिल्कुल ही एक डिफरेंस दिखेगा. व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस डिफरेंसेस? रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले खाली सिर्फ एक ब्रिक को हमने खींचा एक तार बांध के, ठीक है, और इसमें रीडिंग को मेजर किया, ठीक है. फिर दूसरा हमने क्या किया, एक पोलोथिन को रैप किया, रैप करने के बाद फिर उसको खींचा और किससे रीडिंग हमने मेजर की, स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से. और तीसरा हमने क्या किया, जूट बैग, इसमें क्या बोला है कि जूट बैग को क्या करना है, इस पे रैप करना है, ठीक है, चारों तरफ से ब्रिक के, और फिर आपने रीडिंग मेजर करनी है. तो तीनों में अलग अलग हमारी रीडिंग आएगी, ठीक है. तो तीनों में क्या, अलग अलग फ्रिक्शन लग रहा है और तीनों में अलग अलग जो है जो रीडिंग है हमारी, वो तीनों में बिल्कुल अलग अलग आएगी, ठीक है. तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे हम सिलेंडर को हैंग करते हैं इसमें, और जिससे सिलेंडर का जो वजन है कि इसके अंदर कितनी केजी जो है वो गैस है वो फिल हो रखी है, वो मेजर करने के लिए हम उसका यूज करते हैं. तो स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट.
स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस है जिससे मेजर करते हैं, उसका यूज करते हैं किस चीज में, मेजर करने में फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, के किसी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी रीडिंग आती है, ये रीडिंग स्केल है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो ये रीडिंग स्केल है और इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेस्ड व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू इट, और इसके अंदर एक कॉइल होती है, जैसे ही ये किसी वजन को यहां से उठाता है, वेट होता है किसी चीज का, तो वो कॉइल है वो बिल्कुल जैसे 60 kg वजन उठाया है तो वो कॉइल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेस्ड व्हेन अ फोर्स अप्लाइड टू इट, और स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, और एक स्केल लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर मूव करता है, ठीक है, उसको ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं। जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आता है उसके अंदर नंबरिंग होती है, उसके ऊपर 15 तक वो भी क्या होती है, उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड स्केल बोलते हैं। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो हमने 12.2 में यही किया, हमने एक ब्रिक्स को बांधा और उसको तीन तरह से उसके हमने फ्रिक्शन को मेजर किया था विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। किसमें ज्यादा आपको क्या लग रहा था, किसमें आपको ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा था, ठीक है। तो फ्रिक्शन सबसे ज्यादा हमें फ्लोर पे लग रहा था, जो जब हमने ब्रिक को हमने इसकी हेल्प से हमने क्या किया था, खींचा था स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से, तो सबसे ज्यादा रीडिंग हमने कब निकाली थी, जब वो फ्लोर पे लग रहा था। सेकंड पे फिर हमने कब निकाली, सबसे ज्यादा जूट बैग जब हमने उस पर रैप किया था जब लग रहा था, और सेकंड पे एक सिंपल फ्लोर पे उसको हम ब्रिक को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे उस पे लगा के, स्प्रिंग बैलेंस पे लगा के। और तीसरी हमारी जो सबसे कम निकली है वो पोलोथिन बैग जब हमने रैप किया था, तो फ्रिक्शन सबसे कम लग रहा था, ठीक है। तो एक्टिविटी 12.3 में देखते हैं क्या बता रखा है, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर ऑन एन टेबल। आओ देखते हैं, पहले 12.4 को देखते हैं। इसमें इसने क्या किया, ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। मार्क ए कर दिया इसको, और एक बैटरी का सेल लिया उसने बच्चे ने यहाँ पे, और यहाँ पे उसको डाला, और यहां से ऐसे फिसलता हुआ सेल यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। और बी में क्या किया उसने, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और यहां पे उसने सेल डाला, लेकिन अब वो उसने कोई क्या लगा रखा, कोई कपड़ा वगैरह लगा रखा है, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस ए की बजाय बहुत बी में बहुत कम डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। कपड़े के पे आने के बाद जो वो सेल है वो कम सरफेस एरिया को कवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन क्या है, बहुत ज्यादा, और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल, और यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स, ठीक है। आप लकड़ी का बॉक्स भी यूज कर सकते हो जो कि ब्रिक्स को सपोर्ट कर सके, और बुक्स का यूज भी कर सकते हो। पुट अ मार्क विद अ पेन एट एनी पॉइंट, और ए देना उसको, पॉइंट ए देना है, पेन से मार्क करना ऑन द इंक्लाइन प्लेन, और नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, और पेंसिल सेल को वहां से मूव करवाना है इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से पेंसिल सेल को मूव करवाना है। और नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कितना दूर जाके वो रुकेगा, ठीक है। नोट डाउन द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने नोट डाउन करनी है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसके बाद बी पॉइंट में क्या करना है, एक पीस ऑफ क्लॉथ लेना है और स्प्रेड करना है वहां पे, और क्या करना है, ओवर द टेबल, मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ, क्लॉथ पे कोई सिलवट वगैरह न पड़ी हो, ठीक है। आपने ये बहुत ध्यान रखना है। ट्राई द एक्टिविटी अगेन, फिगर 12.4 भी, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड। तो थर्ड में ये क्या बोल रहा है, पहले में बिल्कुल प्लेन था जो कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, सेकंड में इसने एक क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ लिया जो कि विदाउट रिंकल था, तो इसमें कम डिस्टेंस उसने कवर किया सेल ने, और थर्ड में क्या बोल रहा है कि यहां पे बहुत सारा सैंड बिछा दो, रेत बिछा दो, तब यहां से सेल गिरेगा ऊपर से, तो वो जो सेल का डिस्टेंस है वो कितना कवर करेगा, कितना ही नहीं करेगा, तो यहीं पे आके रुक जाएगा, क्योंकि सैंड पे आने के बाद वो चीज आगे मूव नहीं कर पाएगी,
फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल और मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी. मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम. ठीक है, किस केस में जो बैटरी सेल लिया था, किस केस में बैटरी सेल ने डिस्टेंस कवर किया सबसे कम. ठीक है, किस में क्या था, जब हमने सैंड लिया था. ठीक है, उस केस में व्हाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम. क्यों जो पेंसिल सेल है वो एवरी टाइम जो डिस्टेंस है वो कवर कर पा रहा था डिफरेंट. ठीक है, मतलब पहले में बहुत ज्यादा, दूसरे में बहुत कम और तीसरे में बिल्कुल ही कम उसने डिस्टेंस कवर, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा था. इस केस में यहाँ पे बहुत कम हो गया और तीसरे में यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है. ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा हो गया और तीसरे पे फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा हो गया, जो जिससे उसका डिस्टेंस कवर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था. सो हमने बताया, डिस्कस द रिजल्ट, हमने उसका रिजल्ट भी बताया कि भाई वो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि फ्रिक्शन जो है बहुत ही ज्यादा हो गया था. ठीक है, तो डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. यस, जो डिस्टेंस होता है वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है किस पे डिपेंड होगा, सरफेस के नेचर पे, कि वहां का सरफेस जो स्मूथ है या रफ है, कैसा सरफेस है वहां का. ऑन विच द सेल्स मूव, जिस पे सेल मूव हो रहा है. तो कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑन द ऑफ द सेल आल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. यस, जो स्मूथनेस होती है किसी भी सरफेस की, ठीक है, जो सेल का जो सरफेस है कितना जो मूव कर रहा है जहां पे सेल, वो कितना स्मूथनेस है, वो भी इफेक्ट करता है. ठीक है, कुड द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, कुड द यस स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द सेल आल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट. ओके,